Hello students and welcome back. Hope you all are doing well. So we have completed with chapter number 13, that was good manners, and in the last part we have done the question answers and the notes of that chapter. Now we will start with chapter number 14, that is helping others. Okay, so we will read the chapter and we will understand that what is the meaning of helping others and what is there in this chapter. Okay, so one by one we will start the reading and let's start. So chapter number 14, helping others. So one by one we will read it and we will understand. Okay, be kind and helpful to others. What is this? Be kind and helpful to others. आपको कैसे बनना है? सबके साथ में kind रहना है और उनको help करना है और हमेशा उनको help करना है, अच्छी तरह से बात करना है और सबको help करना है. Okay. I help my father and mother. Read again. I help my father and mother. मैं अपने पापा और अपनी मम्मी को भी help करती हूँ. I also help my little sister. Read again. I also help my little sister. आपकी अगर छोटी बहन है या छोटा भाई है तो आपको उसकी भी help करनी है. तो यहाँ क्या बोल रहा है? See this boy. He is helping his father and his mother. और अपनी छोटी बहन को भी वो help कर रहा है ना? In my school, I also help others. Read again. In my school, I also help others. मैं मेरे school में भी दूसरों की help करता हूँ, है ना? See here, this boy is helping to paint, है ना? And this girl is putting the colors over here, right? So they are helping each other, right? वैसे ही आप जब स्कूल में आते हो तो आपको दूसरों की हेल्प करनी है. Yes. When the books fall down from the teacher's hand, I pick them up and give them to her. Okay? अब read again. When the books fall down, जब books गिर जाती है from the teacher's hand, टीचर की हैंड से बुक्स अगर गिर जाती है तो हम क्या करेंगे? I pick them up and give them to her. मैंने क्या किया? मैंने उस बुक्स को उठा के अपने टीचर को वापस दे दिया. Yes. When Rekha forgot to bring her pencil, having two pencils, I gave her one. Read again. When Rekha forgot to bring her pencil, जब रेखा यानी कि आपके साथ कोई भी आपकी फ्रेंड वहां पे होगी, वो अपना पेंसिल लाना भूल गई. Having two pencils, मेरे पास two pencils था, so I gave her one. तो मैंने क्या किया? मैंने एक उसको दे दिया. Okay, so this was the way how you are helping others. आप अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की या जो भी आपके सराउंड में आजू बाजू रहते हैं सबकी हेल्प करना है. दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज सेइंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सी हियर, व्हेन समवन फॉल्स डाउन, आई हेल्प देम टू गेट अप. क्या बोला है यहाँ पे? रीड अगेन. व्हेन समवन फॉल्स डाउन, जब कोई गिर जाता है. सी हियर, दिस बॉय ये गिर गया तो क्या हुआ? आई हेल्प देम टू गेट अप. यहाँ पे ये लड़का उसकी हेल्प कर रहा है. दिस बॉय इज हेल्पिंग हिम टू गेट अप, उठने की हेल्प कर रहा है. ओके, द गार्डनर इज वर्किंग इन द गार्डन. आई गो टू हिम एंड आस्क, हाउ कैन आई हेल्प यू. यहाँ पे क्या बोला? रीड अगेन. द गार्डनर इज वर्किंग इन द गार्डन. गार्डनर कौन होता है? जो गार्डन में काम करता है ना, जो गार्डन को संभालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गार्डनर. तो गार्डनर कहाँ काम कर रहा था? गार्डन में काम कर रहा था. आई गो टू हिम एंड आस्क, मैं वहां पे जाके उसको पूछती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ, है ना? वहां पे ऐसे पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ. ये हम उनको जाके पूछा. जब आप किसी को ऐसे देखते हो तो आपको उनको बजा के पूछना चाहिए कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है या मेरे तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है तो क्या मैं कर सकता हूँ. लाइक दिस. ओके, व्हेनेवर आई सी समवन इन नीड, आई आस्क, हाउ कैन आई हेल्प यू. ओके,
जब आप किसी को भी नीड में देखते हो, ओके, किसी को भी कुछ जरूरत है, जैसे आप देख रहे हो कि कोई ओल्ड मैन कुछ सामान को एकदम से उठा के जा रहा है एंड ही वो नहीं उठा पा रहा है ना, फिर भी वो उठा के जा रहा है, तो आपको वहां जाके क्या पूछना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे को कुछ काम दे सकते हो तो मुझे वो दे दो। तो आपको क्या पूछना है, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हेन समवन विल बी इन नीड, किसी को जरूरत होगी तो आप जाके क्या पूछोगे, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे दूसरों की मदद करनी है और आपको कैसे पूछना है कि आपकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। ओके, इन दैट पेज वन स्टोरी इज ऑल्सो देयर, सो वी विल रीड दिस एज वेल। अ मैन कम्स टू द स्कूल, ही वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल। ओके, एक आदमी सी वन मैन वहां पे एक आया और उसको किससे मिलना था, प्रिंसिपल से मिलना था। यस, ही डज नॉट नो वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज, उसको नहीं पता था कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पे है। आई गो अप टू हिम एंड आस्क, हाउ कैन आई हेल्प यू अंकल। ओके, मैंने वहां पे गया, मैं वहां पे गया, सी दिस बॉय ही वेंट टू हिम, वो उस आदमी के पास गया और उसने क्या पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू अंकल, उसने उनको पूछा कि अंकल मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ओके, सो ही रिप्लाइड, ही मीन्स द मैन रिप्लाइड, ओ थैंक यू, कैन यू प्लीज शो मी वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज। ओके, उसने बोला थैंक यू, क्यों क्यों थैंक यू बोला, क्योंकि आपने इतने अच्छे से उसको जाके पूछा, उस अंकल को जाके पूछा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। यस, तो उन्होंने बोला थैंक यू, क्या तुम मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बता सकते हो। यस, आई सेड टू हिम, दिस बॉय, दिस लिटिल बॉय सेड टू हिम, प्लीज कम, दैट इज द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। यस, देखो ये बॉय शो कर रहा है प्रिंसिपल का ऑफिस। यस, तो उसने क्या बोला, प्लीज कम, वो अपने साथ उनको लेकर आया और दिखाया कि ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। एंड ही रिप्लाइड, द मैन रिप्लाइड, थैंक यू, और मैंने क्या बोला उनको, थैंक यू, क्यों थैंक यू बोला, क्योंकि आपने उसकी हेल्प की, उन पर्सन की हेल्प की। यस, तो आपको वो थैंक यू, स्वीटली थैंक यू चाहिए तो आपको सबकी मदद करनी चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर दैट वी आर लर्निंग हियर, दैट आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट सी दिस, लेट अस रिमेम्बर, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमको क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखो, हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सो यू हैव टू लर्न दिस एंड रिमेम्बर दिस, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प अदर्स। ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इन द एक्सरसाइज वी विल सी दिस, लर्न टू से दिस। ओके, सो यहाँ पे आप देखो हर जगह में सेम क्वेश्चंस दिए गए हैं, बस आपको ये जो ब्रैकेट के आंसर हैं वो इसके अंदर आपको डालना है। सो फर्स्ट वन इज, मे आई हेल्प यू डैश, तो क्या आ जाएगा, अंकल। हाउ कैन आई हेल्प यू डैश, सो यहाँ पे आ जाएगा अंकल। सो सेम वे आपको ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट वहां पे अंदर लिखना है और इसको लर्न करना है। ओके, नाउ वी विल सी द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर दिस टेक्स्ट बुक। ओके, सो सी द फर्स्ट वन, रेखा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर डैश, चैप्टर के अंदर रेखा क्या भूल गई थी, रेखा अपनी पेंसिल भूल गई थी। यस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन समवन डैश आई हेल्प देम टू गेट अप, जब कोई गिर जाता है सो क्या बोलेंगे हम लोग, फॉल्स डाउन, व्हेन समवन फॉल्स डाउन आई हेल्प देम टू गेट अप। यस, जब कोई गिर जाता है तो मैं उनकी उठने में मदद करती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स डाउन। द गार्डनर इज डैश इन द गार्डन, गार्डनर क्या कर रहा था गार्डन में, काम कर रहा था, राइट, ही वॉज वर्किंग, सो राइट देयर वर्किंग, WORKING, वर्किंग।
Fourth one, whenever I see someone in need, I ask dash. जब मैं किसी को नीड में देखता हूँ, किसी को जरूरत में देखता हूँ, तो मुझे क्या पूछना चाहिए? हमने अभी सीखा था हाउ कैन आई हेल्प यू. यस, सो दिस यू हैव टू राइट हाउ कैन आई हेल्प यू. ओके, सो दिस वॉज द ब्लैंक्स, होप ब्लैंक्स दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, इन अ नीट हैंड राइटिंग. ओके, सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 14. So this was chapter number 14. So you have to read this chapter properly and you have to write down whatever things I have said. Okay, aapke textbook mein hi likhna hai. There is no question answers in this chapter. So question answers aapko isme nahi likhna hai. Only you have to write down in your textbook in a neat handwriting and you have to learn this as well. Okay, so stay safe and do your reading practice again and again. Thank you.